नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मोबाइल पिप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे सेटिंग जिसको अगर आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद आप किसी को भी मोबाइल दे देंगे तो वो आपके मोबाइल से नेट नहीं चला पाएगा। क्या होता है दोस्तों, बहुत से दोस्त या आपके रिलेशन के लोग मांग लेते हैं कि भाई दे दो हमें नेट, हमारा ख़त्म हो गया है। तो आप उनके इज्जत करने के चक्कर में आप दे देते हैं और पूरा वो नेट यूज़ करके खाली कर देते हैं। तो आप कैसा सेटिंग कर लेंगे कि आपको नेट तो दिखाई देगा कि नेट ऑन है लेकिन वो चलेगा नहीं, तो इसी के टॉपिक पे हमें आज वीडियो बनाया है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अभी तो हमारा नेट ऑन है, अभी नेट हमारा चल रहा है, लेकिन आप इसमें क्या सेटिंग कर लेंगे कि नेट नहीं चलेगा। तो दोस्तों हम चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं और अब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप भी अपने मोबाइल में आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नेट ऑन है और नेट इस समय हमारा चल रहा है, लेकिन हम सेटिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये देखिएगा नहीं चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा हम आपको बता रहे हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग ओपन करना पड़ेगा। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको हर एक मोबाइल में अलग अलग जो कि फंक्शन दिया जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना पड़ेगा जिससे भी आप नेट ऑन किए हैं, सिम वन या सिम टू जिससे भी आप चला रहे हैं उस पर आपको जाना पड़ेगा। और बहुत से मोबाइल में अलग अलग होता है, ओप्पो वीवो और सैमसंग में देखा जाए तो अलग अलग होता है, लेकिन हमको आपको बता देते हैं कि जिस भी आप मोबाइल में मतलब कि जो भी सिम से आप नेट चला रहे हैं आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एसएस पॉइंट नेम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप एसएस पॉइंट नेम यानी एपीएन पे क्लिक करना पड़ेगा। एपीएन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जब एपीएन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जियो नेट, अगर आपका जियो का सिम लगा हुआ है तो जियो नेट रहेगा, और बीएसएनएल आइडिया वोडाफोन लगा हुआ है तो उसका अलग अलग रहेगा। तो आप सिंपली वहाँ से उसको डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये डिलीट हो गया। उसके बाद आप यहाँ से नेट ऑन कर लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे नेट ऑन है। ऑन करने के बाद हम आपको YouTube पे YouTube खोल के दिखा देते हैं। तो YouTube देखिए हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नहीं चल रहा है, यानी कि आप इस सेटिंग से करके दे देंगे तो वो व्यक्ति को लगेगा कि भाई हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम है या नेट का प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा है, तो वो परेशान होकर के आपको मोबाइल ये दे देगा। तो इस तरीके का आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको प्ले स्टोर से भी दिखा देते हैं। तो वो कोई भी एप्लीकेशन खुलेगा जिसमें नेट की ज़रूरत होती है तो उससे आपका नेट नहीं चलेगा। तो ये सेटिंग करके आप अपने मोबाइल को किसी को भी दे सकते हैं, वो आपका नेट नहीं चल पाएगा, चला पाएगा और आपका नेट भी बच जाएगा। तो दोस्तों इस ये सेटिंग आपको करने के लिए वापस से सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम आपको बता रहे हैं। तो आपको सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको वही पे जाना पड़ेगा, सिम जिससे आप नेट चला रहे हैं सिम वन हो या सिम टू है, आप सिम वन या टू पे जाएंगे। उसके बाद एपीएन में जाएंगे। एपीएन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एपीएन में जाएंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे एपीएन पे दो ऑप्शन दिखेगा, एक है न्यू एपीएन और एक है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। अब इसमें आप न्यू एपीएन भी बना सकते हैं, जैसे आप जियो का अगर है तो नेम में आपको जियो नेट यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको ओके कर देना होगा, और एपीएन में भी आपको जियो नेट लिखना पड़ेगा। बाकी सभी प्रॉक्सी और आईपीएस आईपी एड्रेस वही रहेगा, सेम रहेगा, और आप यहां से उसको कर सकते हैं। और अगर नहीं करना है तो आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो पहले था आपका वही आपका शुरू से आपका आ जाएगा। तो वहां पे देख सकते हैं हमारा यहां पे जियो नेट करके आ गया है। अब हम आपको नेट चला करके दिखा सकते हैं। तो देखिए नेट यहाँ पे आप चला रहे हैं तो ये चल रहा है, यानी कि ये सेटिंग आप कर सकते हैं आपका अगर आपको डाटा बचाना है। तो क्या होता था दोस्तों, कभी कभी घर में छोटे बच्चे मांग लेते हैं और परेशान करते रहते हैं, तो आप ये सेटिंग करके दे देंगे तो वो उनको ये नहीं लगेगा कि इसमें क्या सेटिंग कर दिए हैं कि ये नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये तरीका आप अपना सकते हैं। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप वीडियो पे अगर नए हो तो प्लीज़ जो कि लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे देखेंगे बेल आइकन होगा, उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। और एक कमेंट आप ज़रूर डाल दिया करिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। हम इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पे लेकर के आते रहते हैं, और यहाँ से आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए। हम भी इस अभी YouTube पे नए हैं और हो सकता है आप लोग के आशीर्वाद से हमारा भी चैनल ग्रो हो और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आप लोग के लिए लेकर के आते रहें।
तो मिलेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।